आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। गांधी आश्रम कर्मनगर के पूर्व सचिव शंभुनाथ चौबे पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। वर्तमान सचिव सुरेंद्र प्रताप गुप्ता के साथ गांधी आश्रम में कार्यरत महिला पुरुष कर्मचारियों ने एसपी सिटी कार्यालय पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। गांधी आश्रम कमलानगर के पूर्व सचिव शंभुनाथ चौबे पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। वर्तमान सचिव सुरेंद्र प्रताप गुप्ता का कहना है कि 12 साल सचिव रहे शंभुनाथ चौबे ने बिक्री के पैसों का घोटाला किया है। इसको लेकर वर्तमान सचिव के साथ गांधी आश्रम में कार्यरत महिला पुरुष कर्मचारियों ने एसपी सिटी कार्यालय पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। यहां के हम जो है नए सचिव चुने गए हैं और ये पुराने सचिव जो थे पहले ये 12 साल यहां रहे, शंभुनाथ चौबे, और इन्होंने यहाँ पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया। शुरू से जब से बैठे तब से इनका काम सिर्फ जो है लूटना ही था। किसी आश्रम पे जो रिटायर होकर के गए उनको ना तो फंड दिए ना ग्रेचुटी दिए। इस जब से बैठे कहीं जमा नहीं किए, फंड का घोटाला किए हुए हैं। दूसरी बात कि वर्करों का जितने वेतन भी बहुत लोगों का बकाया वेतन भी इन्होंने नहीं दिया। आज भुखमरी के कगार पर बैठे सारी महिलाएँ अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए आपके पास आई हैं। इसके अलावा बट डिपो से हमारी बिक्री डिपो से पैसा उठा करके और सब ले जाएंगे बिक्री में जमा करने के लिए वहाँ कार्यालय में, लेकिन जमा न करके उसको जो है अपने यूज में सारे पैसा खर्च करके हड़प लिए। वर्तमान सचिव सुरेंद्र प्रताप गुप्ता का कहना है कि 12 साल में पूर्व सचिव ने बिक्री के करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। इस संबंध में अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंगलवार रात संजय प्लेस में गांधी आश्रम का ताला तोड़ते हुए पूर्व सचिव के ड्राइवर को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा लेकिन 151 में कार्रवाई कर इतिश्री कर दी। मैं ये आया हूँ इसलिए आया हूँ कि हमारा भंडार नहीं खुलने दे रहे, गुंडों को भेजते हैं, पुलिस प्रशासन जाता है बंद करा देता है। हमारे अभी मेरी पैसे के अभाव में चार एक 2021 को पत्नी एक्सपायर हो गई। अगर पैसा होता मैं कुछ इलाज कराता। और गुंडों को भेजते मेरे लड़के के लिए मारने के लिए अरविंद पाल को लाए ये शंभुनाथ चौबे, राधेश्याम पांडे, रमाकांत राय, और इन्होंने ऐलान दिया तेरे एक बच्चा है तेरे बच्चे को मार दूंगा, उठवा ले जाऊँगा, समझे। ऐसी धौंस देते हैं घर तक जा करके और धौंस दे के आते हैं ये लोग। पहले काम करते थे वो इनके अत्याचारों से ही मर गए हैं समझो। इनके साला उन्होंने बॉडीगार्ड के, मंत्री जी ने बॉडीगार्ड के रूप में अपना साला रखा हुआ है। वो अपने नए नए दोस्तों को लेके आता है और मारपीट करवाता है, खूब गाली गलौज करता है। और यहाँ पे गांधी आश्रम के अंदर एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो उनके जुल्मों के शिकार ना हुआ हो। यहाँ पे औरतें क्या, बच्चे क्या, और कभी आदमी भी क्या, घर में से बड़े बूढ़ों को निकाल निकाल कर पीटा गया है यहाँ पे। अब शंभुनाथ चौबे का 12 साल हो गए, इन्हें 10-12 कुछ भी हो गया हो, पर इनके अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं है। हमारी इनके पाप का पोटला जो है वो फूट चुका है। हमारी सबकी औरतों की शक्ति भी सब बर्दाश्त से बाहर है। अब इनके अत्याचार नहीं सहेंगे और क्या कहते हैं, इनको हटाया जाए यहाँ से। एसपी सिटी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे महिला पुरुष कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व सचिव ने राजा मंडी, संजय प्लेस, प्रतापपुरा, कमलानगर, जौहरी बाजार, ताजगंज, जयपुर हाउस, शाहगंज, किरावली, गांधी आश्रम के पैसों में घोटाला किया है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।